This, Devi or Sajjano, is the 2018 Maruti Suzuki Ciaz, claimed to be zyada powerful, zyada premium aur zyada enjoyable to drive. But is it? Aiye pata lagate hain. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डिज़ाइन. और डिज़ाइन की अगर आप फ्रंट प्रोफाइल की स्पेसिफिकली बात करेंगे तो कम्प्लीटली नया है. हर एक एलिमेंट आपको नया देखने को मिलेगा, जैसे कि ग्रिल जो है वो कम्प्लीटली नई है. यहाँ पे क्रोम का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे क्रोम का इस्तेमाल हुआ है. जो पुरानी वाली थी उसमें 3 क्रोम स्लैब्स थी, उसकी जगह ये ब्लैक सा इसे रखा गया है. अगर आप हेडलैम्प की बात करेंगे तो असेंबली कंप्लीटली नई है. प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं अलोंग विद एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट. फॉग लैम्प की अगर आप बात करेंगे तो वो भी एलईडीज हैं. बम्पर भी कंप्लीटली नया है और ज्यादा एजी लगता है. बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसकी ग्रिल को लेकर बहुत ज्यादा पोलराइजिंग व्यूज रहने वाले हैं. हो सकता है कई लोगों को पुरानी वाली ज्यादा पसंद आए और कई लोगों को नई वाली ज्यादा पसंद आए. गाड़ी के साइड में आपको एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा और वो है इसके ऑल न्यू एलॉय व्हील्स. और गाड़ी के रियर में भी एक सिग्निफिकेंट चेंज है और वो है इसके एलईडी टेल लैंप्स. तो जहां 2018 सियाज फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर में स्पेशली फ्रंट में कुछ एक बड़े बदलाव किए गए हैं, अंदर गाड़ी के कुछ एक मिनिमम चेंजेस किए गए हैं जो इसे ज़्यादा अप मार्केट अपील देते हैं. जैसे कि जो फॉक्स वुड इंसर्ट का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है डैशबोर्ड पे, ये पहले से बेहतर लग रहा है. उसके अलावा अगर आप स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो यहाँ पर अब आपको क्रूज कंट्रोल का बटन भी मिलता है. लेदर से इसे रैप किया गया है. उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी नया है. अब यहाँ पर आपको स्मार्ट हाइब्रिड भी देखने को मिलता है और डायल्स जेन्युइनली बहुत सुंदर लग रहे हैं, थोड़े फ्यूचरिस्टिक से लगते हैं. और आपको कलर TFT डिस्प्ले भी मिलता है टू गिव यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. उसके अलावा अगर आप मटेरियल क्वालिटी, प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें तो वो पहले के जैसा ही है. दैट मीन्स ये अभी भी मारुति की सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स में से एक हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. सीट्स भी पहले के जैसी है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. दैट मीन्स बहुत कम्फर्टेबल है सभी लोगों के लिए. जो जितने भी 5 पैसेंजर्स हैं उनके लिए कंफर्टेबल है. फ्रंट सीट्स में अच्छा खासा थाई सपोर्ट आपको मिलता है. हेडरूम भी बहुत अच्छा है, चाहे आपकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा हो तो भी. रियर सीट्स की अगर आप बात करें तो 3 लोगों के लिए बेहद कंफर्टेबल है. आराम से आप बैठ सकते हैं. अगर 2 लोग बैठ रहे हैं तो आपको सेंटर आर्म रेस्ट भी मिलता है. और रियर पैसेंजर्स के लिए डेडिकेटेड AC वेंट भी ऑफर किया गया है. स्टोरेज स्पेसेस के मामले में भी ये बेहद सॉर्टेड प्रोडक्ट है. आपको मल्टीपल स्टोरेज स्पेसेस मिलते हैं. चाहे आप फ्रंट में ग्लव बॉक्स की बात कर लीजिए, ठीक ठाक बड़ा है. चारों दरवाजों में बड़ी बॉटल्स आप रख सकते हैं. उसके अलावा भी बहुत सारी जगह बच जाती है. अगर आप बूट स्पेस की बात करें तो ये क्लास लीडिंग 510 लीटर्स का बूट स्पेस आपको ऑफर करती है, जो बहुत ही यूजबल है. और जहां तक फीचर्स की बात है तो उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है. जैसे कि मैंने कहा है कि क्रूज कंट्रोल में चेंज हुआ है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हुआ है. उसके अलावा लिस्ट कंप्लीटली सेम है, तो वो आपको यहां पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी. सो ओवरऑल आई थिंक 2018 मारुति सुजुकी सियाज फेसलिफ्ट इज अ प्रीटी गुड प्लेस टू बी इन. बात करते हैं 2018 मारुति सुजुकी सियाज में दिए गए सबसे बड़े बदलाव की, और वो है इसका ब्रांड न्यू 1.5 लीटर K15B पेट्रोल इंजन, जो कि लगभग 105 PS मतलब 104 BHP की मैक्सिमम पावर और 138 न्यूटन मीटर्स की मैक्सिमम टॉर्क निकालता है. और ये पहली बार हुआ है कि मारुति सुजुकी ने अपने किसी पेट्रोल इंजन के साथ में SHVS टेक्नोलॉजी को ऑफर किया है. जो SHVS है वो बेसिकली एक माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है. तो मान लीजिए अगर आप किसी रेड लाइट पर रुक रहे हैं तो आपका इंजन रुक जाएगा जब आपने उसे रोका है, और जैसे ही स्टार्ट करेंगे वापस से आप एक्सेलरेट करेंगे तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा. बात करते हैं इस इंजन के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट की, और वो है इसकी ड्राइवेबिलिटी. अगर आप इसे शहर में चला रहे हैं, अगर आप हाई गियर्स में भी हैं
और एक्सट्रीमली लो स्पीड्स कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप फिफ्थ गियर में हैं 35 km/h या 40 km/h की स्पीड कर रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं आती, इंजन पे कोई ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आता है, जो कि दिखाता है कि ये कितना सिटी फ्रेंडली है। वहीं पर अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं तो आप आराम से इसे चला सकते हैं, 3500 km/h तक बहुत ही स्मूथली चलता है। हाँ, उसके ऊपर थोड़ा सा नॉइज़ी होने लगता है, और 4000 rpm के बाद में तो एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा नॉइज़ी हो जाता है, सो बेटर कीप इट बिलो 4000 rpm। ये इंजन लगभग 2500-2600 rpm पे 100 km/h की स्पीड कर लेता है, और अगर आप 80 km/h के आसपास चला रहे हैं तो लगभग 2000 rpm के आसपास। हालांकि जब आपको ओवरटेक करना होता है तो आपको नेसेसरली गियर डाउन करना ही पड़ता है इस इंजन के साथ में। एक और चीज़ जिसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा वो है इसका स्टेयरिंग सेटअप। थोड़ा सा हैवी लगता है पहले के मुकाबले, बट लगता है कि थोड़ा आर्टिफिशियल सा हैवीनेस इसे दिया गया है, और शायद उसकी वजह ये भी हो सकती है कि सस्पेंशन को थोड़ा सा टाइट किया गया है। तो अगर आप सिटी स्पीड्स में चला रहे हैं तो हो सकता है आपको लगे कि स्टेयरिंग कंपैरेटिवली हैवी है पुराने के मुकाबले, बट हाईवेज के हिसाब से इसमें कोई परेशानी नहीं है। सस्पेंशन को थोड़ा हैवी करने का रिजल्ट एक ये भी है कि आप हाईवेज पे जब इसे चला रहे हैं तो ये ज़्यादा कंपोज लगती है पुराने के मुकाबले। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप इसे सिटी में चला रहे हैं, बड़े पॉट होल्स हैं, तो सस्पेंशन हैवी होने की वजह से उनका ध्यान ये इजीली नहीं रख पाती है। बहुत आराम से ये बड़े पॉट होल्स का भी इजीली ध्यान रख लेती है, जो कि दिखाता है कि सस्पेंशन अच्छे तरीके से ट्यून किया गया है। जहां तक ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात है तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, और वैसे भी सियाज में कोई परेशानी थी नहीं ब्रेकिंग के मामले में। अच्छा खासा बाइट है और ब्रेक्स प्रोग्रेसिव नेचर के हैं, और अगर आप पैनिक ब्रेकिंग की बात करें तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं होती है। ABS प्लस EBD आपको स्टैंडर्ड मिलता है, और 2018 मारुति सुजुकी सियाज में अब आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल कंट्रोल असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो कि आपके ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस को डेफिनेटली बेहतर बनाते हैं, सेफर बनाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हिल कंट्रोल असिस्ट और जो ESP है वो सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट में ही ऑफर किया गया है। अब जब बात ऑटोमेटिक वेरिएंट की कर ही रहे हैं तो आपको बता दूं कि सियाज का ऑटोमेटिक वर्जन वही 4-speed टॉर्क कन्वर्टर यूनिट के साथ में आता है, जो कि प्री फेसलिफ्ट मॉडल में भी आता था, एंड आई थिंक इट्स अ बिग लेट डाउन, क्योंकि अगर आप तो बेहतर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करते हैं, चाहे आप यारिस की बात कर लीजिए, सिटी की बात कर लीजिए या वरना की, अगर आपको स्पिरिटेड ड्राइविंग पसंद है तो ये ट्रांसमिशन आपको ओवरऑल लेजी लगेगा ऑपरेशंस में। बट लाइक आई सेड, पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर आपको कम्यूट करना है तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। और जो अपकमिंग नॉर्म्स आ रहे हैं भारत में, उसके हिसाब से अगर आपकी गाड़ी 80 km/h के ऊपर जाती है तो बीप आपको सुनाई देगी हर मिनट, और अगर आप 120 km/h के ऊपर जाते हैं तो वो लगातार आपको सुनाई देगी। तो वो सियाज 2018 में अकोमोडेट किया गया है। ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें तो ये पुराने वाले 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन से डेफिनेटली बेहतर फील होगी, ज़्यादा टॉकी ये लगती है, ज़्यादा पावर आपके पास में है, एंड दैट मेक्स इट मच मोर एंजॉयबल देन बिफोर। फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में 2018 सियाज फेसलिफ्ट आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। ARAI सर्टिफाइड माइलेज जो इसके पेट्रोल मैनुअल वर्जन का है वो 21.5 km/h है, हालांकि इसने हमें शहर में लगभग 15 km/h और हाईवेज पर 18 km/h की फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर की विद AC ऑन ऑल द टाइम। क्या 2018 मारुति सुजुकी सियाज फेसलिफ्ट पुराने वाले मॉडल से हर डिपार्टमेंट में बेहतर है? तो हाँ, ये ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, परफॉर्मेंस वाइज बेहतर है, बहुत से मॉडर्नेज फीचर्स इसमें ऑफर किए गए हैं, और मजे की बात है जो प्राइसेस इसकी हैं बेस वेरिएंट को छोड़ के बाकी सभी वेरिएंट्स पुराने वाले मॉडल से कम है, विच मेक्स इट इवन स्वीटर डील। और इससे पहले कि आप 2018 सियाज फेसलिफ्ट का रिव्यू किसी और चैनल पर भी देखें, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और उस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए जिससे कि हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके।